शर्म नहीं आता रघुवर दास आपको? हमारी सोच सड़ चुकी है, तुमसे बदबू आती है अब राजनीति में। हाल के दिनों में इसी तरह की एक जघन्य घटना दुमका में घटी थी, जहां अंकिता सिंह नाम की एक किशोरी को पहले जला देने का प्रयास किया गया और इलाज के क्रम में उसकी दुखद मृत्यु भी हुई। विगत दिनों चतरा में भी इस प्रकार की एक घटना हुई, जहां एक किशोरी पर तेजाब फेंक दिया गया। इसके पूर्व में भी बोकारो में एक तेजाब कांड हुआ था और जो घटना दुमका में घटी उसी तरह की घटना 29 तारीख रात को अलीगढ़ में भी घटी। एक ही तरह से आग लगाया गया, वो भी अभी इलाजरत है और जीवन के साथ संघर्ष कर रही है, लेकिन इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग नहीं देखते। ये अपराध है और अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई भी मजहब नहीं होता है, उसका वहशीपन उसकी एकमात्र पहचान होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ा पारंगत है। वो यदि एक ही समुदाय का यदि कोई भी घटना होगा तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन अपराध करने वाला और अपराध जिसके साथ हुआ वो यदि दो समुदाय का होगा तो भारतीय जनता पार्टी में एक नया नशा चढ़ जाता है कि यही मौका है समाज को तोड़ दो, जिसका प्रयास विगत 3 दिनों से रांची में और दुमका में किया जा रहा है। मैं तो धिक्कार कहता हूं रघुवर दास जी को और कठोर शब्दों में निंदा करता हूं बाबूलाल मरांडी जी को। आप लोगों में इंसानियत बचा है क्या? रघुवर जी आप भूल गए जया भारती को, जो बूटी बस्ती में रहने वाली इंजीनियरिंग की छात्रा थी, 15 दिसंबर 2016 को उसके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसको जलाकर मार दिया जाता है। आपकी सरकार थी, आपकी वो लड़की स्थानीय लड़की थी सिल्ली की, और आपके नेता के इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी। क्या हम लोगों ने उस वक्त इस बात को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा था? शर्म नहीं आता रघुवर दास आपको? आपका बयान आया था कि सफेदपोश अपराधी यही बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, पहले पुलिस जांच करती है, सीआईडी जांच करती है। हम लोगों ने राजनाथ सिंह जी से, तत्कालीन गृहमंत्री हमारे तत्कालीन विधायक अमित जी अपने सांसद को लेकर गए और सीबीआई जांच हुआ। उस जांच का रिजल्ट क्या है? क्या एक विशेष धर्म का होने के कारण उसमें गिरफ्तारी भी हुई? उस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुंह में कलप साट रखा है? यही दूसरे धर्म का होता? शर्म ना आनी चाहिए भारतीय संसद में बैठने वाले उनके नेताओं को।
जो लोग कठुआ कांड करते हैं, उन्नाव कांड करते हैं, हाथरस करते हैं, बनासकांठा करते हैं, वो लोग झारखंड घूमने आए, समाज को बिगाड़ने आए। यही यदि यूपी या कहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो किसी को घुसने नहीं दिया जाता। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, हमने कहा जितनी गंदगी तुम में है भारतीय जनता पार्टी, तुम निकाल लो, तुम्हारी सोच सड़ चुकी है, तुमसे बदबू आती है अब राजनीति में। इसलिए जिसको आप राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य बनाती है महिला मोर्चा की, उसके यहां से क्या बरामद होता है? आदिवासी लड़की के साथ दुर्व्यवहार, एक मां कैसे अपने बेटे को हाथ में हथकड़ी लगा के पागलखाने घुसा देती है क्योंकि वो बेटा का संवेदना उस लड़की के साथ होता है। बाबू लाल जी के मुंह से निकलता है घृणित शब्द, उनके राजनीतिक सचिव के घर से भी इसी तरह की एक साल पहले बारात नहीं होती है सुनील तिवारी की। इस तरह का मजहबी राजनीति इस देश में करने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जाति धर्म देखकर, वो बहुत ही विष घोलने का काम कर रहा है। अपराध की निंदा हर व्यक्ति करता है और झारखंड पुलिस ने जब दुमका में घटना घटी, जो उसका बयान दर्ज है लड़की का, उस बयान में कहा कि 22 तारीख रात को हम अपने पिताजी को कहे थे, 23 को उसके पिताजी ने कहा था कि मैं बात करूंगा और ये दुर्भाग्यजनक घटना घट जाती है, उस पर आप राजनीति करना शुरू करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।